बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। कोरोना संकट के बीच लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में डीआरडीओ के कोविड अस्पताल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की है। कम वक्त में तैयार हुआ है 505 बेड का यह अस्पताल। हर बेड पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया गया है। 150 के करीब यहां आईसीयू बेड बनाए गए हैं और यहां पर सेना के डॉक्टर भी तैनात किए गए हैं। तो सेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक 500 बेड का अस्पताल तैयार किया है लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में। थोड़ी देर पहले वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उन्होंने उस हॉस्पिटल का लोकार्पण किया और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने डीआरडीओ अस्पताल की शुरुआत की है। सीएम योगी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया है। आर्मी के प्रयासों से अस्पताल शुरू हो रहा है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दी है। अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन का बैकअप रहेगा, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। इसमें कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर, कितने एचएपीएनसी हैं और उसी के हिसाब से एक प्रयास किया जा रहा है कि हर जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुरूप ये व्यवस्था दी जा सके। ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रयास करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सभी लोग एक साथ मिल करके कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे तो कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ हम लोग जीतने में सफल होंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।